स्वागत है आपका सभी दोस्तों एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज हम खेलने वाले हैं ब्रांड न्यू कैरेक्टर एजेंट गेको, जो कि रिलीज हुआ है वैलोरेंट के इस नए एक्ट के अंदर। और मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ सारी की सारी गेको की नई एबिलिटीज क्या क्या हैं उसकी एबिलिटीज, और साथ ही साथ कुछ ऑसम लाइनअप्स भी। तो गाइस बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं फटाफट से। तो गाइस मैं आ चुका हूँ प्रैक्टिस रेंज में। यहाँ पे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, F1 की को होल्ड करना है। F1 की को होल्ड करते आपके पास सारी गेको की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि क्या क्या इसकी एबिलिटीज है। तो गाइज जो कि हमारी सिग्नेचर एबिलिटी होती है ई, वो है डिजी। तो डिजी कैसे काम करता है गाइज मैं आपको बता देता हूँ। डिजी एक फिनिक्स फ्लैश की तरह काम करता है। तो जैसे कि फिनिक्स का फ्लैश होता है गाइज, उसी तरह से कॉर्नर से किया जा सकता है गाइज। जैसे कि ये कॉर्नर मुझे क्लियर करना है, तो इसलिए मैं डिजी को ऐसे फेंक दूंगा सिंपली। तो अब इस कॉर्नर के पीछे जो भी लोग डिजी को देखेंगे उनके स्क्रीन पे एक ग्लू सा आ जाएगा गाइस, तो वो सब लोग फ्लैश हो जाएंगे एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। सो इट्स वर्क सिमिलर लाइक अ फिनिक्स फ्लैश। तो इसको आप रिकॉल भी कर सकते हो, ठीक है। रिकॉल करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि आपको इसके पास में जाना पड़ेगा। एफ का बटन पॉप अप होगा गाइस, एफ के बटन को होल्ड करो और वो और वापस कैप्चर कर लेगा। तो इसमें रिस्क ये है गाइस कि आपको जब भी आप इसको रिकॉल करना चाहोगे फ्लैश करने के बाद, तो आप इसे दूर से रिकॉल नहीं कर सकते गाइस। आपको इस जो भी क्रिएचर है इसके पास जाना पड़ेगा, तब आपके पास एफ का बटन आएगा और वो ड्यूरेशन बार चल रही है उसी दौरान केवल ये रिकॉल किया जा सकता है। तो इसको एफ दबा के ऐसे वापस रिकॉल कर सकते हैं गाइस उसी ड्यूरेशन के अंदर। तो आप रिपीटेडली कॉर्नर्स को क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि ये ई दबा के मैंने ये कॉर्नर फ्लैश किया, बंदे फ्लैश हो गए गाइस। मैंने एफ होल्ड करके वापस उसको लिया, मैं नेक्स्ट कॉर्नर पे गया, मैंने नेक्स्ट एरिया क्लियर किया, मैंने इसको रिकॉल किया। लेकिन कुछ टाइमर भी होगा गाइस, तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये कॉर्नर फ्लैश की तरह काम करता है गाइस, एक बेहतरीन फिनिक्स फ्लैश का रिप्लेसमेंट है ये। अब गाइस हम देखते हैं वो एबिलिटी जो सबको पसंद है, सबसे ज्यादा प्यारी है। तो गाइस वो एबिलिटी है हमारी क्यू एबिलिटी। अब क्यू एबिलिटी गाइस जो है वो है विंगमैन, सबको पता ही होगा। ये रेस के बूमबोट की तरह काम करता है, लेकिन बस एक ये क्रिएचर है जो कि जाएगा और जाके एनिमीज को स्टन कर देगा, अगर राइट क्लिक करेंगे तो स्पाइक को डिफ्यूज भी करेगा। तो गाइस ये गया था, इसकी मैक्सिमम रेंज मैंने आपको दिखा दी है, सिमिलर टू रेस के बूमबोट जितनी है। इसको एफ दबा के हम वापस रिकॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको छोटी सी जगह में छोड़ूंगा तो गाइस ये बाउंस बैक भी करता है, देख लिए। कितना क्यूट सा है गाइस ये देखिए। अब गाइस देखो अगर इसको प्लांट करवाना है तो इसको प्लांट भी करवा सकते हैं, वो मैं आपको स्टैंडर्ड कस्टम में बताऊंगा। हाँ तो गाइस हमारी तीसरी एबिलिटी जो कि है सी एबिलिटी, वो है मॉशपिट। मॉशपिट कैसे काम करता है गाइस? मॉशपिट एक तरह की मॉली है, लेकिन ये मॉली सिंगल है। जैसे ब्रिमस्टोन के पास एक मॉली है, सिमिलर टू दैट मॉली ये मॉली काम करती है, और क्यों की मॉली जैसे काम करती है, और किलजॉय की मॉली जैसे काम करती है। तो गाइस ये रेंज वाली मॉली है, इसको आप हाथ से फेंक सकते हैं, जैसे केओ का लाइनअप जाता है वैसे ये जाएगी गाइस। और देखिए इसकी रेंज काफी बड़ी है, तो यहाँ पे जो भी खड़ा होगा वो डिके होगा और वो डेड हो जाएगा। देखिए गाइस उसको डैमेज लगता है, और उसकी साउंड भी इफेक्ट होगी गाइस, मॉशपिट के अंदर उसकी साउंड भी इफेक्ट होगी। देखिए गाइस काफी डेडली मॉली है इसकी, ठीक है। तो सी एबिलिटी गाइस एक मॉली है। बढ़ते हैं हमारी फाइनल एबिलिटी की तरफ गाइस, जो कि है इसका अल्टीमेट, ये फिश गाइस। ये जो है थ्रैश नाम से जो एक शार्क जैसा क्रिएचर दिख रहा है, तो ये शार्क जैसा क्रिएचर क्या करता है गाइस? ये एक तरह से कॉम्बिनेशन है स्काई के ट्रेल ब्लेजर एबिलिटी का, जो स्काई का डॉग है, और किल जॉय के अल्टीमेट का। यानी कि ये स्काई के ट्रेल ब्लेजर की तरह आगे जाएगा, ठीक है, और एनिमीज को डिटेन भी कर लेगा किल जॉय की एबिलिटीज की तरह। तो गाइस मैं आपको करके दिखाता हूं। That's as far as she goes. क्या शानदार अल्टीमेट है गाइस इसका, देखिए। मतलब अगर इसके अल्टीमेट को कोई ढंग से कंट्रोल करता है तो सारे कॉर्नर्स को क्लियर कर सकता है, एनिमीज को डिटेन कर सकता है, और आपकी टीम बस घुस के मार सकती है। ये हार्बर की एबिलिटी से काफी बेहतर है गाइस, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए गाइस। हार्बर का अल्टीमेट भी कुछ ऐसा खतरनाक होना चाहिए था,
दो चीजों का मिक्सचर होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, गैको का अल्टीमेट डेफिनेटली गेम ब्रोकन है गाइस, बिकॉज किलजॉय का अल्टीमेट हम जानते हैं कितना डेडली है और उसको तोड़ा भी जा सकता है, लेकिन इससे गाइज आप नहीं बच सकते। अगर गैको की एबिलिटी अल्टीमेट यूज करने वाला अच्छा है तो गाइज वो आपको जरूर से पकड़ लेगा। तो गाइज गैको इज गोना बी गेम ब्रेकिंग। हाँ गाइज, तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि विंगमैन कैसे काम करता है, ठीक है। तो अगर मैंने विंगमैन की क्यू एबिलिटी को इक्विप कर लिया और उसके बाद मैं एसेंट मैप पे इसको ऐसे छोड़ता हूँ, तो रेस की बूमबॉट की तरह जाएगा और जहां पे भी इसको मान लो यहाँ पे कोई भी दिखता है तो उसको ये स्टन कर देगा गाइस, क्योंकि मैंने लेफ्ट क्लिक से इसको यूज किया था। लेकिन सिमिलरली अगर मैं थोड़ा सा पीक लेके जहां पे मुझे प्लांट कराना है, मैं क्यू एबिलिटी को इक्विप करके राइट क्लिक करता हूँ गाइस, ठीक है, तो ये जाके प्लांट करेगा स्पाइक को। देखिए गाइस ऑटोमेटिक प्लांट हो चुका है, ठीक है, ये डिफॉल्ट प्लांट हो चुका है और इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे लाइनअप पे आ जाना है, सिंपल मॉस्फेट इक्विप करना है और टाइमर के हिसाब से इस स्पाइक के ऊपर रख के आपको पॉइंटर ये मॉली फेंक देनी है सिंपली। तो गाइस ये मॉली गिलेगी डिफॉल्ट इजी राउंड। तो गाइस मैं आपको बताऊंगा कि कैसे गेको डिफ्यूज भी करवा सकता है विंगमैन के साथ साथ। बॉम्ब प्लांट हो चुका है गाइस और गेको को अपनी एबिलिटी से विंगमैन से इस प्लांट को डिफ्यूज कराना है। तो जैसे कि जो भी प्लांटेड है स्पाइक, ठीक है, और आप डिफेंडर हो तो आपको कुछ भी नहीं करना है गाइस, राइट क्लिक पे टैप करके विंगमैन को छोड़ देना है स्पाइक की तरफ, ऐसा एरो सा आना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। अगर ये एरो नहीं आएगा ना तो वो डिफ्यूज नहीं होगा, देख रहे हो आप, जैसे मैं इसके पास ले गया तो एरो आ रहा है, तो एरो आना चाहिए गाइस, ठीक है, मैंने इसको छोड़ दिया, अब वो बैट केस पे डिफ्यूज करेगा इजी। तो गाइस जो मेन बात ध्यान रखने की वो ये है कि जब भी आप डिफ्यूज करने के लिए इसको भेजो डिफेंडर साइड से, तो स्पाइक के ऊपर ऐसा डाउनवर्ड का एरो आना चाहिए गाइस, ठीक है, तभी वो डिफ्यूज के लिए जाएगा, नहीं तो वो नहीं जाएगा। हेलो गाइस, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ विंगमैन की एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, ठीक है, जो हो सकता है कि फ्यूचर पैच में अपडेट हो जाए, बिकॉज विंगमैन जो है रेस के बूमबॉट की तरह काम करना चाहिए गाइस, लेकिन यहाँ पे आइस बॉक्स में ये एक बग बोल सकते हो गाइस, या ग्लिच बोल सकते हो विंगमैन का, ठीक है, जो मैंने अभी आपको डाल दिया है। तो अगर आपके पास गेको अनलॉक है तो जल्दी से जाओ और इसको अब्यूज करो गाइस, बिकॉज ये बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। जिसने भी अभी तक वीडियो को थम्स अप नहीं किया तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन भी दबा दो गाइस, ताकि आपको जब जब मैं लाइव स्ट्रीम करूं आपको नोटिफिकेशन जाए। तो जल्दी से मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूं गाइस। ट्रिक ये है कि जैसे ही आपको प्लांट कराना होता है विंगमैन से, ठीक है, तो विंगमैन से राइट क्लिक करके आप प्लांट कराते हो, तो गाइस ये राइट क्लिक करके प्लांट 100% करेगा। अगर आपको सामने स्क्रीन पे छोटा सा स्पाइक जो पर्पल कलर का दिख रहा है वो दिखता है, तो देखिए गाइस अभी मेरा पास जो है वो रुक रहा है सामने एक एज से, लेकिन क्योंकि मुझे वो दिख रहा है कि वो प्लांट का सिंबल आ चुका है, इसलिए मेरा विंगमैन इस एज को डॉज करके जाएगा और जाके प्लांट करेगा। देखिए गाइस, विंगमैन्स गोना प्लांट स्पाइक। देखिए गाइस, इसने जाके लेफ्ट जाके फिर स्ट्रेट होके अपना पाथ बदल के प्लांट किया गाइस मेरे लिए। तो हो सकता है कि पॉसिबली फ्यूचर अपडेट्स में फिक्स हो जाए, लेकिन अभी गाइस ये गेम ब्रोकन है, जल्दी से जाइए और गेको खेलिए।